मुझे 7 दिन के लिए यूट्यूब ने यूट्यूब से ही निकाल दिया। बट वाई यूट्यूब ने मेरा कंटेंट डिलीट कर दिया। यूट्यूब ने 7 दिन के लिए मेरी पोस्टिंग ब्लॉक कर दी। अगर आप लोगों के साथ भी यही मसला आया है तो आप लोग सही वीडियो पर आए हो। चलिए अपना कंटेंट भी रिकवर करवाते हैं और अपने चैनल के ऊपर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक भी रिमूव करवाते हैं। मेरा नाम है जामी उरान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जामी उरान ऑफिशियल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करके और पर लगा दें। मेरी एक वीडियो पर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक। हालांकि मैंने कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं की, बल्कि यूट्यूब को एक गलत फहमी हुई है। यूट्यूब को लगा कि यार ये बंदा हमारी कम्युनिटी गाइडलाइन प्राइवेसी के खिलाफ काम कर रहा है। असल में मैंने एक वीडियो बनाई थी कि यार गेम से इतना पैसे कमाए, और वो एक वीडियो एक शुक्रिया तौर पर मैंने बनाई थी क्योंकि काफी सारे लोग बना रहे थे और मेरे जो देखने वाले काफी ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि यार इस गेम के ऊपर वीडियो बनाओ, कि हम लोगों ने विड्रॉ कैसे लेना है, क्या क्या करना है, सारा कुछ कैसे करना है। मैंने सिर्फ यही कुछ बताया था, लेकिन यूट्यूब को लगा कि यार ये बंदा हमारी कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ काम कर रहा है और यूट्यूब को एक गलत फहमी हुई है, जिसकी वजह से यूट्यूब ने मुझे 7 दिन के लिए यूट्यूब से खत्म कर दिया। 7 दिन के लिए मेरी पोस्टिंग ब्लॉक कर दी और मेरा कॉन्टेंट जो है ना यूट्यूब ने डिलीट कर दिया। अब हम लोग इसकी अपील करने वाले हैं यूट्यूब से, हम इस वीडियो को रिकवर करवाएंगे, क्योंकि यूट्यूब को हम लोग बताएंगे कि यार हम लोगों ने कुछ नहीं किया, बल्कि ये आप लोगों की एक गलत फहमी है। हम यूट्यूब की गलत फहमी को दूर करेंगे, उनको अपील करेंगे और अपनी वीडियो को रिकवर करेंगे। अगर आप लोगों का कंटेंट डिलीट हो चुका है या आप लोगों के चैनल पर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ चुकी है, तो आप लोग सही वीडियो पर आए हो, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के चैनल पर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक या आप लोगों का कंटेंट जो डिलीट हो चुका है, जो आप लोगों का कंटेंट डिलीट हुआ है वो रिकवर हो जाएगा। जो आप लोगों के चैनल पर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक लगी है उसको हम लोग रिमूव कर देंगे। चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, वहां चलकर हम लोग अपील करते हैं और उनको हम लोगों ने अपील कैसे करनी है, क्या क्या उनको लेकर सेंड करना है, सारा कुछ आप लोगों के सामने होगा। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं जो है आ चुका हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। सबसे पहले आप लोगों को ये वायलेशन दिखा देता हूँ कि मेरी जो है ना केस वीडियो पर आई है। अब अगर हम लोग कम्युनिटी गाइडलाइन पर क्लिक करें तो यहाँ सारा कुछ ही बता देते हैं कि मतलब कब एक्सपायर होगी हमारी स्ट्राइक। तो ये जो मेरी ऑनलाइन अर्निंग वाली वीडियो है ना, उसी वीडियो पर ही आया है। अब हम लोग बैक चाल के कॉन्टेंट पर क्लिक करते हैं। मैं आप लोगों को कॉन्टेंट दिखा देता हूँ कि मेरी जो कौन सी वीडियो है वो जो रिमूव की गई है। अब हम लोग ये ऑनलाइन अर्निंग वाली वीडियो को जो है ना एडिट पर डिटेल पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आप लोग देख सकती हो रिमूव्ड लिखा हुआ है। तो मतलब इसी वीडियो को यूट्यूब ने उड़ा दिया। अब इस वीडियो में कुछ था नहीं, लेकिन फिर भी यूट्यूब को गलतफहमी हुई है। उसके बाद हम लोग रिव्यू कंटेंट हेयर पर हम लोग क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद रिव्यू एंड इश्यू ऑनलाइन अर्निंग, यहाँ पर आप लोगों को जो आप लोगों का जो इशू है वो रिव्यू कर रहे हैं। चैनल पर एक स्ट्राइक है और वेजिबिलिटी रिमूव्ड है, मोनेटाइजेशन जो है ना इनएलिजिबल है, क्योंकि ये सब मैंने गलती एक नहीं की बट फिर भी यूट्यूब पर लगा है। नेक्स्ट बिगेन रिव्यू पर हम लोग क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप लोगों को वो रिव्यू देंगे, मतलब कहाँ पर आप लोगों ने मिस्टेक की है, जहाँ से हम लोगों ने इसको पकड़ कर स्ट्राइक दे दी। अब यहाँ पर लिखा है टेक अ लुक एट योर कंटेंट बेयरिंग पॉलिसीज इन माइंड, मतलब यहाँ पर मेरा 2:33 पर मैंने गलती की है। तो नेक्स्ट पर हम लोग क्लिक करते हैं और अपील द डिसीजन, यहाँ पर लिखा है रिव्यू एंड इशू, मतलब अपील हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। सिंपली आप लोग ने यहाँ पर अपील के ऊपर क्लिक करना है और नीचे लीव अ कमेंट में आप लोगों ने कमेंट जो है ना इनको लिख कर देना है कि यार हम लोगों ने गलती नहीं की। और जो कमेंट लिखना है वो आप लोगों ने कुछ इस तरह से लिखना है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लोगों ने बड़े ही ध्यान से लिखना है, अगर यहाँ पर आप लोगों ने गलती कर दी तो आप लोगों की जो अपील है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। आप यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है इट्स इज नॉट रमी एंड बैटिंग ऐप, इट्स अ इन्वेस्टमेंट ऐप, दिस ऐप लाइक एज अ लूडो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एंड इट्स नॉट वैलिडेटेड ऑफ यूट्यूब पॉलिसी, प्लीज रिव्यू अगेन एंड रिस्टोर द वीडियो एज सून एज पॉसिबल। सिंपली ये सब लिखने के बाद सबमिट अपील पर आप लोगों ने क्लिक कर देना। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो वी आर रिव्यूइंग यूर अपील, थैंक यू फॉर यूर इनपुट, मतलब 72 hours इसको लग सकते हैं, 72 घंटे के अंदर अंदर ये हमें हमारी जो वीडियो है वो रिकवर कर देंगे। याद रहे अगर आप लोगों ने कोई गलती की है तो वो जो है ना वीडियो को रिकवर नहीं करेंगे, अगर गलती नहीं की तो वीडियो रिकवर हो जाएगी। गाइस आप लोगों ने देख लिया होगा इस तरह से जो है ना आप लोगों ने एक अपील सेंड करनी है। जैसे जैसे मैंने यूट्यूब को लेकर सेंड किया आप लोगों ने भी सेम वैसे ही सेंड करना है। इस तरह से क्या होगा कि आप लोगों की वीडियो को यूट्यूब जो है ना 1 या 2 घंटे के अंदर रिकवर कर देगा, और अगर आप लोगों की वीडियो के अंदर कुछ ऐसा है तो वो यूट्यूब जो है ना रिकवर नहीं करेगा, फिर आप लोगों को अपनी वीडियो डिलीट करनी पड़ेगी। बाकी टेंशन नहीं लेनी, जो भी मसला है मुझे आकर कमेंट कर दिया करें, मैं सॉल्व कर दिया करूंगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर लगा दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।